यूक्रेन के मुद्दे पर यूएनएससी की बैठक शुरू हो गई है। यूएनएससी की आपात बैठक शुरू हुई है। यूएनएससी की बैठक में भारत भी शामिल है। पुतिन ने डोनबास को अलग देश की मान्यता दी थी, जिसके बाद यूक्रेन और नाटो देशों ने इसका विरोध किया था। और अब यूएनएससी की ये सबसे इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है, इस बैठक में भारत भी शामिल है। तो यूएनएससी की मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, इस बैठक में भारत भी शामिल है। लाइव आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, जितना इस वक्त हम सुन पाए उसमें यही जाहिर हो पाया कि यूएनएससी की बैठक में भी इस बात के संकेत मिले हैं, इस कदम का जो व्लादिमीर पुतिन ने कदम उठाया है उसका मतलब ये समझने को मिला है कि आने वाले जो कुछ घंटे हैं, आने वाला जो समय है वो बहुत क्रिटिकल है। सिचुएशन बहुत खराब हो गई है और ये कहना गलत नहीं होगा कि कल रात जो फैसला लिया गया है, देर रात 1 बजे व्लादिमीर पुतिन की ओर से डोनेस्क और लुहांस्क को अलग देश बनाए जाने का, ये युद्ध की तरफ बढ़ाया गया एक और कदम है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और बात यही है कि अगर इस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो इसका मतलब यह है कि दुनिया का कोई एक राष्ट्र जब चाहे तब दुनिया का नक्शा बदलने की हैसियत रखता है जी। और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की प्रासंगिकता पर भी बड़ा सवाल उठती है। हालांकि क्या कर पाएगी, क्योंकि फैसले होते हैं उसमें बहुमत से या सर्वसम्मति से फैसले होते हैं, और अगर जो परमानेंट सदस्य है अगर वो वीटो लगा देता है तो फिर उस पर कोई एक्शन नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ पर चूंकि पुतिन ने ये फैसला लिया है तो रूस खुद ही एक परमानेंट सदस्य है, उसका वीटो ही अपने आप में पर्याप्त है, फिर चीन का उसे समर्थन हासिल है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य में से 2 और 3 का बंटवारा तो पहले ही हो चुका है। फिर भारत जैसे देश जो इस समय सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं, वो इस पूरी परिस्थिति में ज्यादातर समय एब्सेंट रहना पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है कि यहाँ से सुरक्षा परिषद के सदस्य क्या निदान निकाल कर आगे ले जा पाएंगे। ये देखना बहुत ही यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा कि सुरक्षा परिषद क्या बता सकती है दुनिया को कि हम आगे क्या करने जा रहे हैं। तो और अगर कोई फैसला नहीं हो पाएगा तो फिर ये तनाव और चरम पर हमें दिखाई देने वाला है जी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की ये बैठक चल रही है जिस पर मनीष से हम बात कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। मनीष, इस बैठक में भारत भी शामिल है। जो सिचुएशन है इस वक्त, जो कल रात हुआ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लुहांस्क और डोनेस्क को अलग स्वतंत्र क्षेत्रों के तौर पर मान्यता दी है, उसके बाद भारत का क्या स्टैंड रहने वाला है, भारत क्या पक्ष रखेगा यूएनएससी की इस बैठक में जब उससे प्रतिक्रिया लेने की बारी आएगी? देखिए, इससे पहले जब यूक्रेन को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कार्रवाई चल रही थी, बैठक हो रही थी, तब भारत ने उसमें गैर हाजिर रहने का या कहें कि एब्सटेंट रहने का फैसला किया था, क्योंकि भारत इसमें ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। और भारत के इस कदम को लेकर यूरोप में भी सवाल उठे थे, और जब विदेश मंत्री जयशंकर से पूछा गया था तो उन्होंने यही कहा था कि यूरोप के कई देशों ने भी कई बार ऐसा फैसला लिया था जब एशिया में ऐसे मसले आए थे, इसलिए भारत को भी अपने सुरक्षा हित को देखते हुए, अपनी विदेश नीति को देखते हुए ये करने का पूरा अधिकार है। तो मुझे उम्मीद है कि आज भी जब ये बैठक हो रही है तो ऐसा नहीं है कि भारत रूस के फैसले के खिलाफ कोई फैसला लेगा, बल्कि ये बहुत हद तक संभावना है कि पहले की तरह अभी भी फिर भारत यहाँ पर गैर हाजिर रहेगा। लेकिन इसी वजह से अगर आप देखें तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य में से 2 सदस्य। ठीक है मनीष, आगे भी इस बारे में आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। और यूएनएससी की ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, रूस का जो कदम कल रात उठाया गया है उसके साथ यूरोपीय संघ, नाटो के साथ ही अमेरिका समेत कई ऐसे देश है जिन्होंने निंदा की है। और बड़ी बात यह है इस बैठक की, रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है, यूएन की ओर से यह कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे, शांति से मामले का हल होना चाहिए, यूएन महासचिव ने यह बात कही है। यूक्रेन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने बयान दिया है, बहुत बड़ी खबर आ रही है, रूस ने यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किया है। यानी कि इस बैठक में भी इस बात पर सहमति जताई गई है कि कल जो कदम उठाया गया है रूस की ओर से वो ठीक नहीं है, शांति से मामले का हल होना चाहिए। यूएन महासचिव ने कहा है कि युद्ध एकमात्र रास्ता नहीं है, बल्कि शांति से और बातचीत के जरिए इस पूरे मसले का हल निकलना चाहिए। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।